शांति, सभी निर्विघ्न, पवित्र, सफल, वैल्युएबल, चैतन्य हीरो हो वॉर्ली मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आकर हमें सबसे पहला पाठ पढ़ाते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। आधा कल्प से हम भूले हुए थे खुद की पहचान को, इसलिए ही हम भटक रहे थे, बंधन अनुभव कर रहे थे, दुखी थे और मुक्ति मोक्ष की कामना कर रहे थे। और खुद की और खुदा की सही पहचान मिलते ही अब जीवन में रहते मुक्त अवस्था का अनुभव होता है। तो बस अब और देह अभिमान नहीं, सदा आत्म अभिमानी। आज की मुरली में ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट समझेंगे, भारत के उत्थान और पतन की कहानी सुनेंगे। हमने अब तक जो भूले की हैं, दुखी हुए हैं, तो अब समय आ गया है उन विचारों, बोलों और कर्मों पर पूर्ण विराम लगाने का। तैयार हैं सभी? कैसे लगाना है फुल स्टॉप, जानने के लिए सुनते हैं 24 मई 2024 के परमात्म महावाक्य। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। बाबा विदेही, बाबा कहते देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। परमात्मा आत्माओं को ये सिखाते हैं कि तुम आत्मा मालिक हो, कर्मेंद्रियां तुम्हारी गुलाम हैं, तो देही अभिमानी बनना है हमें। हमारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। सदा याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। देह अभिमान को खत्म करना है। प्रश्न है, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? यदि ये हम सोचे कि हम शरीर हैं, तो सबसे पहले कौन सी बीमारी लगती है? बाबा उत्तर में कहते हैं नाम रूप की। नाम मान शान में अटकते हैं, रूप रंग में अटकते हैं। बाबा कहते हैं नाम रूप की बीमारी, यह बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लिए देखो कितने विकार, कितने अपराध करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं, यही पढ़ाई है। मुक्ति मोक्ष सबको चाहिए ना, तो बाबा कहते हैं क्या विधि है उसको अनुभव करने की, क्या रास्ता है, बाबा युक्ति से हमें ज्ञान में समझाते हैं और यही पढ़ाई है। बाप तुम्हें जीवन बंद से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं, युक्ति भी बताते हैं और युक्ति से बताते हैं। कितनी तरह से बाबा एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, देही अभिमानी बनो। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं देही अभिमानी भव आत्म अभिमानी भव। देही अभिमानी जब कर्म कर रहे हैं तो याद रहे कि मैं आत्मा मालिक कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ये देह मेरी गुलाम है, मैं आत्मा मालिक हूँ। आत्मा अभिमानी आत्मा को अपने ओरिजिनल गुण संस्कार सदा याद रहे। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान को छोड़ते जाओ।
देह अभिमान को छोड़ते जाओ। देह अभिमान है तो दुखी है ना, आत्माभिमानी होंगे खुशी, अपने इस गुण को याद रखेंगे तो आत्मा सदा खुश रहेगी। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सतयुग त्रेता में तुम आत्माभिमानी थे, वहां मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं, यह चेंज करना है। सर्प जैसे अपनी खाल बदलता है, बाबा कहते हैं तुम्हें भी वहाँ ये याद रहता है, ध्यान रहता है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर पुराना हुआ, अब छोड़ना है। तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप, जो सदैव आत्म अभिमानी हैं, वह कभी देह अभिमानी बनते नहीं। भल एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि यह शरीर तो पराया, लोन पर लिया हुआ है। तो हमें भी ये ध्यान करना है कि हमें पार्ट मिला हुआ है, इसलिए हम शरीर में आए हैं, इससे ममत्व नहीं रखना है, सदा आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता, बाबा का अपने लोन लिए हुए शरीर से, इस रथ से लगाव नहीं रहता, लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जानते हैं यह तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कह, याद अक्षर कहना ठीक है, याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो, फिर बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, विकारी बन जाते हो, नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, यह तो बाप ने ही समझाया है। बाबा देखो आज पूरी कहानी सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि पांच विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। राम और रावण को पहचानते ही नहीं है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन न सके। देखो भारत जैसा पवित्र कोई खंड नहीं और भारत जैसा पतित भी कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता, जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। इसलिए सबके प्रश्नों का उत्तर मिल गया, क्यों इतना पतित बना है। देख रहे हैं ना, कलयुग चरम सीमा पर है, जो जितना पवित्र उतना ही पतित। जितने सतो प्रधान थे भारतवासी, उतने तमो प्रधान। तो बाबा कहते हैं जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है और फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। यह पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है।
इतने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मानते हैं, लेकिन क्या जीवन कहानी है कुछ भी पता नहीं। पूजा करते हैं परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात और सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। यह भी समझाया है ब्राह्मणों का कुल होता है डायनेस्टी नहीं। एक ही जन्म होता है ना ब्राह्मण जन्म, तो डायनेस्टी नहीं है। ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है। फिर ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव। उनका नाम एक ही है परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत हो जाता है, कितना भपका है ना। देखो बाबा के कर्तव्यों के अनुसार कितने सारे नाम रखे हैं, नहीं तो बाबा कहते एक ही नाम है शिव, इसीलिए देखो सदा शिव कहते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में कितना भपका है, कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। पूरा देखो अब तो बिजनेस बना लिया है। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं वही यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथा धन था। बाप याद दिलाते हैं पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं लेते हैं, सिर्फ 84 जन्म। वह फिर कह देते 84 लाख जन्म। तो लख 84 की बात थी कि अपने 84 जन्मों को जानो, देखो। हाँ, लक्ष्य था तो लख का लाख कर दिया। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष का ड्रामा, तो यह हुआ ज्ञान। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, बाबा ने समझाया। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता है। वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाबा। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं जबकि दुखी होते हैं। कितने भी देहधारी गुरु गोसाई के पास जाएं लेकिन फिर भी भगवान को याद करते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है, तब फिर बाप आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। समझ आ गई मना, जीवन मुक्ति किससे? बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंध में है, पतित है, फिर पावन बनना है, या तो सेकंड की बात है। ज्ञान 1 सेकंड का है क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो, पढ़ाई का विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार बाबा कहते हैं 1 सेकंड का है। क्या है सार? आत्मा, परमात्मा, बाप, वर्षा, शांति धाम, सुख धाम, सब 1 सेकंड की बातें हैं ना। मनमना भव, मध्याजी भव। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो 1 सेकंड का है, लेकिन देखो प्रैक्टिकल में 1 सेकंड के ज्ञान का स्वरूप बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि देह अभिमान में रहने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए आज बाबा कहते हैं देही अभिमानी भव। तो ज्ञान 1 सेकंड का है क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो, वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूलकर कह देते हैं हम फलाना मिनिस्टर हैं, यह है अपना नाम, रूप, पद, पोजीशन, ये सब बताते हैं। वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेस के तन से पार्ट बजाती है, यह भूल जाते हैं। नहीं तो आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है, कोई क्या बनते, कोई क्या बनते हैं। बाप समझाते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया है सतो प्रधान, घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़जड़ी भूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक
वह सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि यह पढ़ाई है। तो हम कौन है? स्टूडेंट है ना, तो पढ़ाई को पढ़ाई की रीति से पढ़ना है। भक्ति नहीं है ये, हाँ पढ़ाई है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी होती नहीं। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं लेकिन बनते नहीं हैं, करते नहीं हैं, कर्मकांड करते हैं। और बाबा कहते हैं यहाँ तो दुनिया को बदलना है, सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं। कैसे बदलेंगे दुनिया को? अपने संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो यह बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परम पिता ही सिखलाएगा, वह तो सभी का है ना। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, वह है परम धाम में रहने वाले। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड हे ईश्वर, वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। कितने नाम है देखो, वैद्यनाथ, भोलानाथ, बबुलनाथ, भूतनाथ, महादेव, पाप कटेश्वर, हाँ कितने कितने नाम है, हजारों नाम है शिव के। तो बाबा कहते हैं भक्ति का फैलाव बहुत है, वह सब है मनुष्य मत। अब मनुष्यों को चाहिए, क्या चाहिए मनुष्यों को? जरूरत किस चीज की अभी? ईश्वरीय मत, ईश्वरीय मत, श्री मत, श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना, यह प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इन सॉल्वेंट बन जाते हो, बुद्धि इन सॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य दिवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इन सॉल्वेंट है। देखो माला माल सब कंगाल हो गए, क्यों? बुद्धि को ताला लगा हुआ है। वह लॉक किसने लगाया? गोदरेज का ताला लग जाता है, गोदरेज का ताला उस समय बहुत फेमस था। तो गोदरेज का ताला कैसे खुलेगा? गोदरेज का ताला अपनी ही एक ही चाबी से खुलता है, बस ये खासियत है। तो गोदरेज का ताला, तो गॉड आकर देखो राजयोग से वो ताला खोलते हैं। भारत जितना नंबर वन में था उतना और कोई खंड नहीं, भारत की बहुत महिमा है, भारत सब धर्म वालों को बहुत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। परंतु ड्रामा अनुसार गीता को खंडन कर दिया है, भारत और सारी दुनिया की भूल है, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया इसलिए गीता खंडन हो गई। भारत में ही गीता को खंडन किया है, जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। अब तो विदेशों में भी देखो गीता का कितना मान है, लेकिन हमारे पास क्या है? सच्ची सच्ची गीता है, वो तो अभी भी भटक रहे हैं, सब पढ़ के मूंझ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि भारत में ही गीता को खंडन किया है, जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था, जो अभी फिर से बन रहा है, यह उल्टा झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है, उनको वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना, गुरु की दशा, बृहस्पति की दशा। बाप समझाते हैं, मैं वृक्षपति आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, ऊंच बन जाते हैं, सबसे ऊंची दशा मानते हैं ना, जुपिटर गुरु। तो बाबा कहते हैं ऊंच बन जाते हैं, फिर रावण आया है तो राहु की दशा बैठ जाती है, भारत का क्या हाल हो जाता है? वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो,
बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है, तो फिर तुम 63 जन्म लेते हो। आधा कल्प में 21 जन्म और बाकी के आधे कल्प में 63 जन्म। तो देखो कितना फर्क हो गया आयु में। अभी बाप समझाते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए मामेकम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान हैं। तुम सभी को यह ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं का बाप तो एक ही है, सब ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। भल कहते भी हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। आत्मा कहती राइट है, कहने को तो सब कहते हैं सही, लेकिन समझते नहीं है क्यों कहा कैसे हैं ये नहीं पता है। सब ब्रदर्स का बाप एक है, आत्मा कहती राइट है, भाईचारा ब्रदरहुड है ना, तो सब ब्रदर्स का बाप एक है। वर्षा देना ही है बड़े बाबा को, वह आते भी भारत में है। कौन है बड़े बाबा? शिव बाबा। तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब आया था यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। काम, काम विकार, कामनाएं, काम नहीं, काम तो करना है लेकिन काम विकार न हो, कामनाएं न हो, हद की इच्छाएं न हो, वो नंबर 1 दुश्मन है। रावण को जलाते हैं। माताएं इतनी भोली होती है ना, कहते बाबा काम करने के लिए क्यों मना करते हैं, कौन सा काम है समझना है। रावण को जलाते हैं, परंतु वह है कौन, क्यों जलाते हैं कुछ नहीं जानते। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है। जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया उनको तुम माया के चक्र में आकर गाली देते हो। माया के चक्कर में आके कह दिया सब जगह, जब कुछ नहीं समझ में आया कैसा है, न ऐसा न वैसा, नीति नीति, तो कह दिया फिर सब जगह है, तो गाली दे दी। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो। कितने कितने अवतार दिखा दिए ना, मुझे कण कण में कह दिया है, ये सब भूले कि हमने, तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा ड्रामा कह के देखो बिंदी लगा देते हैं। बेहद के बाप की ग्लानी करते कितनी पाप आत्माएं बन गए हैं। रावण राज्य है ना, बेहद के बाप की ग्लानी करते करते पाप आत्माएं बन गए, पाप कर्म करते गए, क्यों? रावण राज्य है ना। जैसे बाबा देखो कह दिए कोई बात नहीं, ड्रामा में था इसलिए बच्चों ने भूल कर दी। कोई और भूल करता है यदि व्यवहारिक जीवन में, क्या हम इस तरह से बिंदी लगा सकते हैं, माफ कर सकते हैं? यह भी तुम जानते हो इस समय सब भक्तियां हैं। सबकी सदगति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता है। 5 विकार हरेक में है, विकार से पैदा होते हैं इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अभी हैं संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, कह देते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, और आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाबा ने बताया ना हमें कौन आत्मा के लिए है, परमात्मा तो एवर पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हैं यह भूल है, पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। यह ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, चोटी है ब्राह्मणों की। इसलिए देखो चोटी रखने लग गए, बालों की चोटी रखने लग गए, यहाँ तो ऊंचे कुल की बात थी। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो ना, सबसे ऊपर में है शिव बाबा, भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसमें न ब्राह्मणों की चोटी है न चोटियों का बाप है। न चोटियों का, न ब्राह्मणों का बाप है, न ब्राह्मण है और ना ही शिव बाबा है।
अर्थ कुछ नहीं समझते, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए, जो एक मेन लोगो होता है ना, जो स्टैंप होता है, बाबा कहते हो तो त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए, जिससे कोई एक राजाई या कोई सत्ता जानी जाती है ना, ये इस देश का चिन्ह है, ये इस राजाई की जो स्टैंप है उनका ये सिंबल है, लोगो है, पहचान है। बाबा कहते वो कौन होना चाहिए, वो तो त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए भारत का। तो अभी तो यह कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है। तीन शेर दिखाते हैं ना, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो बाबा कहते देखो जंगली जानवर का बना दिया है वो चित्र, होना क्या चाहिए त्रिमूर्ति शिव। उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है, उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। सतयुग में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, है ना, सब में सद्भावना है, संस्कार सबके मिले हुए हैं, हिंसा नहीं है, सब एक साथ इकट्ठे रहते हैं, माना आपस में कड़वाहट नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, हिंसा नहीं है, प्रेम है। और सत्यमेव जयते माना विजय, सत्य की ही विजय होती है। सब क्षीर खंड हो रहते हैं, लून पानी नहीं होते हैं, खारा पानी नहीं, नमक पानी नहीं। रावण राज्य में लून पानी और राम राज्य में क्षीर खंड हो जाते हैं। देखो आजकल खीर खाते ही नहीं है ना, इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पे लून पानी है और राम राज्य में खीर क्षीरखंड मिलजुल कर रहते हैं, दूध चीनी जैसे एक हो गई, खीर बन गई, मिठास है, व्यवहार में भी मिठास है, और यहाँ रावण राज्य में तो खारा पानी, नींबू पानी पीते हैं ना नमक डाल के, हाँ ठीक है वो शरीर के लिए सेहत के लिए जो पीना है, लेकिन व्यवहार कैसा हो, क्षीरखंड मिठास घुल मिल जाए आपस में। तो बाबा कहते हैं इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल, एक दो को पहला नंबर कांटा विकार का लगाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते हैं इन पांच विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो, अपनी कर्मेंद्रियों को जीतो, पांच तत्वों को जीतो, माया जीत बनो, कामना जीत बनो और फिर विश्व जीत बनो, जगत जीत बनो, यह अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हो। हाँ कितने स्पा खुले हैं, वहाँ चले जाओ, गंगा में नहा नहा के उसको क्यों मैला कर दिया। देखो बाबा कहते हैं घर में भी पानी से भी तो शरीर का मैल उतार सकते हैं, आत्मा का मैल कहाँ उतरेगा, कैसे उतरेगा, कौन से स्पा में जाएं, कौन से ब्यूटी पार्लर में जाएं, हाँ ज्ञान स्नान करना है, योग अग्नि में भस्म करना है, आत्मा में जो विकारों की पट है तो आत्मा का मैल निकालना है ज्ञान स्नान से। अब वो घर बैठे नहीं निकालना है, हाँ सेंटर जाना है, बाबा के सम्मुख जाना है, संगठन में जाना है। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो साफ नहीं हो सकती, शरीर का मैल बाबा कहते हैं घर के पानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आत्मा तो नहीं साफ होगी ना। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, सतगुरु तो एक ही है सदगति करने वाला। देखो हमें लक्ष्य सौंप देते हैं बाबा, लक्ष्य देते हैं, उससे आत्मा को स्नान करना है, हाँ कि हमें ये लक्ष्य मिला है, देवी देवता बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो बाबा कहते हैं सदगुरु तो एक ही है सदगति करने वाला, सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है, वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। BTS बाप टीचर सदगुरु सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। क्या है नॉलेज का सार आज, बाबा ने कहा देही अभिमानी भव। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, सबसे क्षीर खंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं, जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। शील्ड है, प्रोटेक्शन है, सेफ एंड सिक्योर। तो जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। देखो, रावण भी आ नहीं सका ना लक्ष्मण रेखा के अंदर। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। मेहनत लगेगी तो कैसे मौज का अनुभव करेंगे। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ देखो कितने मौज का जीवन जीते हैं। तो हम तो रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भगवान हमारा टीचर है, कितने अच्छे तरीके से सरलता से बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो मेहनत करनी है, पढ़ाई में मेहनत करनी है, पढ़ना है, याद तो करना है, लेकिन साथ साथ मौज का अनुभव भी करना है। तो बाबा कहते हैं कि छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। टेंशन नहीं लेना है, हाँ कल्प पहले भी हम ही विजयी थे और हम ही होंगे, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं पास हुए पड़े हैं, पास तो हो ही जाएंगे, हुए हैं पहले हम। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। तो सबको बताना है, ऐ आत्माओं परमात्मा से आकर मिलन मनाओ। कैसे, घर गृहस्थी में रहते हुए, अपना धंधा व्यापार करते हुए हम सदा मौज में रह सकते हैं। कब रह सकते हैं, जब खुद को आत्मा समझेंगे, परमात्मा बाप के साथ रहेंगे, देह अभिमान भूल जाएंगे, देही अभिमानी आत्माभिमानी होकर रहेंगे तब। स्लोगन, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। ना जाना राज ड्रामा का तो रहेंगे नाराज। ड्रामा का पॉइंट बताया ना बाबा ने, तो वो रिवाइज करना है। ड्रामा, बाबा कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो आगे होगा वो भी और बहुत बहुत अच्छा। ड्रामा परफेक्ट है, एक्यूरेट है, ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष है, ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा को ड्रामा पसंद है, ड्रामा वो बहु रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। तो ये सब ड्रामा के जो पॉइंट हैं वो हमें सदा याद रखने हैं। तो ये थी आज की मुरली, रिवाइज करेंगे। पहला पॉइंट, देह अभिमानी बने तो क्या होगा। देह अभिमानी बने तो नाम रूप की बीमारी होगी। दूसरा, श्रीमत पर चले तो क्या होगा, 108 की माला में आएंगे। तीसरा, भोगी बने तो आयु छोटी, पवित्र बने तो दीर्घायु। और चौथा,
बाप की छत्र छाया में रहे तो मौज ही मौज है। और अंतिम ड्रामा का राज जाने तो नाराज नहीं होंगे। ओम शांति।